ज्यादा खा लिया आज मैंने, बस अल्लाह पाक हजम करे। आपने वो ब्लड प्रेशर की दवाई ली थी खाने से पहले? हाँ हाँ बेटा मेरा, बस तुम ख्याल किया करो, अपना ख्याल रखो। दादी अरे मैं तो दवाई ले ही लेता हूँ, अब सारी जिंदगी दवाई खानी है। अरे वाह वाह, ये क्या बना है भाई, खीर है? पापा। अरे खुश रहो बेटा। इधर आओ लड़की, ये तुमने बनाई है? जी जी बड़े प्रभु। ये लो भाई, इनाम है तुम्हारा, बड़ी अच्छी बनाई है, पकड़ो इसे। आदाब। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छी बनाई है, इतनी मेहनत की है तो उसका इनाम तो मिलना चाहिए, बनता है क्यों अम्मा? हाँ भाई। कैसी है? देखती हूँ। कहिए, लेकिन अभी कुछ सीखना बाकी है। अरे आपकी पोती है, और जब आप जैसा उस्ताद हो, अल्लाह आपकी जिंदगी करे, तो सिखा दीजिए ना सब कुछ इसे। हाँ भाई, हम ही को सिखाना पड़ेगा सब कुछ, हमें लगता है इनकी माँ और सास तो कुछ सिखाएंगी नहीं इसको। अरे लो आ गया फाखिर भी, क्या बात है, देर हो गई आज? पढ़ाई का काफी लॉस हुआ है बाबा, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ, आते हुए थोड़ी सी देर हो जाए करेगी रोज। चलो अच्छा, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि आप लोग इन्हीं को भूखा रखे हैं, मैं हूँ या ना हूँ तो आप लोग उसको खाना अपने साथ खिला लिया करें। पर लेकिन बाबा मैं पढ़ना चाह रहा हूँ, सारा फोकस उस वहाँ देना चाह रहा हूँ, सिर्फ इस टेंशन की वजह से मैं रोज जल्दी नहीं आ सकता हूँ। माना रस्म रिवाज जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वक्त और हालात के साथ बदल ना सके। उसको जब भूख लगे उसको खाना खाने दिया करें, और मुझे जब लगे कि मैं भी खा लूंगा। चलो ठीक है, जैसे तुम मुनासिब समझो, चलो जाओ आप, अभी तो वो इंतजार कर रही है ना, आज तो खाना खाओ उसके साथ। सही बात है, ऐसा ही होना चाहिए, शाबाश।